हेलो एवरीवन। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं ये है आपका एमसीक्यू का भंडार। ये 10 वीडियोस है आपका। आज जो है वो 5 वीडियोस आप देख लेने वाले हो 17 मार्च 7 PM। और फिर 18 मार्च, तो 18 मार्च को आज क्या है, 17 मार्च 7 PM 5 वीडियोस। 17 मार्च 7 PM आपका ये 5 वीडियोस यहीं से शुरू होगा। एक कंटिन्यूस सीरीज में ये वीडियोस अपलोड होता जाएगा और आप देख सकते हो आराम से, ठीक है, 7 PM से। और इसके बाद आपका ये जो है वो 18 मार्च को आ जाएगा 5 PM। 18 मार्च को 5 PM ये आ जाएगा, ये बाकी 5 वीडियो। और इसमें आपका पूरा कवर हो जाएगा, सारा एमसीक्यू ट्रिक्स के साथ फॉर्मूलाज मिलेगा, बहुत इजी इजी मेथड्स मिलेगा। और आप गारंटीड कर सकते हो अपना 20 out of 20, 100% गारंटीड कर सकते हो आपका 20 out of 20। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारा वीडियोस देख लेना है। और चैनल पे नए हो ये तो सब्सक्राइब कर ही लेना। और क्या है, देखो क्या है आपका, ये सारा जो चैप्टर्स होगा इसका जो नोट्स होगा, अभी जो क्लास में आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाया जाएगा, इसका आपको सॉल्यूशन जो है, इसका जो नोट्स है वो आपको उसका पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, कहाँ, ऐप पे मिल जाएगा, मैथमेटिकल अड्डा का। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हो, ठीक है। उसका लिंक आप क्या दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, या फिर आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो मैथमेटिकल अड्डा का ऐप, ठीक है। तो 17 मार्च को 5 PM आप रेडी हो जाओ, 7 PM सॉरी, 17 मार्च को 7 PM आप रेडी हो जाओ और ये वीडियो देख लेना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बता दो कि 17 मार्च को 7 PM आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा ये खबर फैला दो। इसके बाद हम मिलेंगे 17 मार्च 7 PM इन 5 वीडियोस के साथ, ठीक है। पूरा डिटेल में हम करेंगे, पूरा एक एक ट्रिक समझेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी में बस ऊपर से निकाल दिया जाएगा, आप आराम से इसको कर सकते हो। और जाके आप मिला सकते हो कि हमारे चैनल पे ICSE क्लास्टिंग एग्जाम के पहले जो MCQ अपलोड हुआ था, 10 क्वेश्चन था बस, उससे डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आ गया। तो 10 क्वेश्चन में से 2 आ गया, तो अब हमने क्या दिमाग लगाया कि 100 देते हैं। अगर उसी प्रपोजल में गया तो 100 में से 20 अगर मैच कर गया तो आपका 20 out of 20 श्योर है। तो ये बात कुत्ता की मात्रा को ज्यादा से ज्यादा फैला दो, ठीक है ना। चलो तो फिर मिलते हैं 17 मार्च को।